नमस्कार प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ हैं ओडिशा बीजेपी अध्यक्ष मनमोहन सामल जी। मनमोहन जी, लगातार रेला लगा हुआ है बीजेपी में शामिल होने वाले लोगों का, कैसे देखते हैं इस जनसमर्थन को? आज भी प्रेजेंट एमएलए समीर दास जो एक्स मिनिस्टर है वो पार्टी में शामिल हुए जी, और चार पांच सिटिंग एमएलए ज्वाइन करने का बातचीत चल रहा है जी। लगातार सिटिंग एमएलए डे वन से ज्वाइन कर रहे हैं जी। एक्स मिनिस्टर एक्स एमएलए सब ज्वाइन कर रहे हैं जी। इसका कारण है बीजेडी पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है और राजनीतिक व्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट किया है। वही भ्रष्ट शासन चल रहा है, करप्शन चल रहा है, जो खिलाफ बोल रहा है इनका जी। इनको वो डस्टबिन में डाल देते हैं और अल्टरनेटिव पार्टी के नाते बीजेपी का सरकार बनेगा जी। सरकार बनेगा और आम जनता हमारा साथ है जी। और बीजू जनता दल का जितना अभी हमने करीब 300 ज्वाइनिंग स्टेट लेवल में किए, हजारों ज्वाइनिंग हम जिला लेवल में और नीचे लेवल में किए, हर क्षेत्र में बीजेडी का 99% कार्यकर्ता मिल रहे हैं जी। और ये एक बात है कि बीजेपी का सरकार बन रहा है आम जनता का राय है, आम जनता आगे लड़ रहा है और बीजेपी इसको कोऑपरेट कर रहा है। बीजेडी का जितना आदमी जिसका कंसाइन से विवेक है वो सब हमारे साथ मिल रहे हैं जी। दूसरा चरण का मतदान होना है, 5 लोकसभा सीटें हैं, 35 के करीब विधानसभा सीटें हैं, क्या लगता है आपको? ये 5 पार्लियामेंट बीजेपी जीतेगा जी। और मेजर विधानसभा जी 70-80% विधानसभा बीजेपी का खाता में जाएगा जी। और बीजेडी ने वादा किया है कि जुलाई से बिजली का बिल नहीं आएगा, आपको लगता है कि ये जो मुफ्त बीजेडी ने वादा किया है कि जुलाई से बिजली का बिल नहीं आएगा, तो आपको लगता है कि ये सब 25 साल में क्या कर रहे थे जी, अभी नींद मांग रहा है, अभी नींद टूट रहा है जी, तो 25 साल में क्या कर रहे हैं जी। इलेक्ट्रिक तमिलनाडु को 2.52 रुपया में देते हैं, उड़ीसा लोग को 2.82 रुपया में देते हैं, मतलब क्या है? तमिलनाडु कम पैसा में हमसे इलेक्ट्रिक ले रहा है और हम ज़्यादा पैसा दे के उड़ीसा को लूट रहे हैं, ये हिपोक्रेसी नहीं चलेगा जी। और ये घोषणा और प्रतिश्रुति बहुत दिए हैं चुनाव में जी। चुनाव में सुन सुन के आदमी का आम जनता का अविश्वास आ चुका है और बीजेडी को विश्वास नहीं कर रहे हैं। अभी बीजेपी का साथ आम जनता हमारा साथ है। जो हमारा योजना है जो सोलर सिस्टम 75,000 प्रधानमंत्री का योजना, वो इलेक्ट्रिफिकेशन में इनको फ्री मुक्त इलेक्ट्रिक मिलेगा और वो इलेक्ट्रिक बेच के महीना में कुछ पैसा इनका परिवार को मिल जाएगा। ये काम जो योजना है वो योजना को लोग विश्वास करते हैं। 50,000 रुपया जो सुभद्रा योजना में लखपति दीदी बनने का, 50,000 फ्री में हम देते हैं। 50,000 रुपया देने से हमारा माँ बहन फाइनेंशियल आगे जाएंगे, अपना पाँव पर खड़ा होंगे, एक लखपत दीदी बनेंगे और हम 3100 रुपया में खरीद कर किसान का रोजगार दोगुना होगा। इनको इरिगेशन कराएंगे, 100% इरिगेशन कराएंगे, 17% इरिगेशन उड़ीसा में, 17% और इनको कोल्ड स्टोरेज देंगे, एग्रो इंडस्ट्री देंगे और हम प्रोसेसिंग यूनिट देंगे, किसान के लिए डबल रोजगार के लिए सब प्रबंध करेंगे और युवक जो एम्प्लॉयमेंट हर साल जितना वैकेंसी था इनको पूरा करेंगे। 1 साल में 1 लाख नया नौकरी हम सरकारी नौकरी देंगे। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के हम टूरिज्म को डेवलप करेंगे। जो 1.5 करोड़ जो नौजवान बाहर जाके दादन खट रहे हैं वो उड़ीसा में आत्मनिर्भर हो सकते हैं, इनका व्यवस्था हम कराएंगे और जो पेंशन में 3,000-3,500 रुपया देंगे, चिट फंड में जो पैसा जमा करिए डिपॉजिटर इनको पैसा हम 18 महीने में पेमेंट करेंगे जी। ये सब ने बीजेपी का ऊपर भरोसा है, 5 साल में हमको पूरा करना है, 25 साल नहीं, 75 साल नहीं, 5 साल में पूरा करना जी। आज प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं जीत का मंत्र देने के लिए उड़ीसा बीजेपी को, क्या लगता है? प्रधानमंत्री आएंगे, इनका कार्यक्रम कल सुबह है, मॉर्निंग में जगन्नाथ मंदिर दर्शन करेंगे, रोड शो करेंगे, ये जाएंगे कटक जाएंगे, अनुगुल जाएंगे, फिर वापस जाएंगे। ये 6th चरण का जो चुनाव है इनका प्रचार खत्म करेंगे, फिर लास्ट चरण फिर एक बार आएंगे जी। बहुत धन्यवाद। तो ये थे ओडिशा बीजेपी अध्यक्ष मनमोहन सामल जी, जिन्होंने बताया कि बीजेपी क्या गारंटियां दे रही है और बीजेडी किस तरीके से 25 साल बाद अब नींद से जागी है और कह रही है कि बिजली का बिल नहीं आएगा। तो उन्होंने बताया कि हमारी जो गारंटियां हैं, मोदी की जो गारंटियां हैं, वो ज़्यादा प्रभावी हैं और जनता उनके साथ जुड़ रही है। फिलहाल परिणाम क्या होगा ये तो 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट पर इतना ही। कैमरामैन राम महाजन के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए भुवनेश्वर से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।